आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश भू व्यवस्था विभाग में होने वाली भर्तियों की और साथ में बात करेंगे सैनिक स्कूल सुजानपुर में होने वाली भर्तियों की। आपने अगर अभी तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू को इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर सर्च करना है आपको गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सैनिक स्कूल सुजानपुर हिमाचल प्रदेश में होने वाली भर्तियों की। तो यहाँ पर एक पद भरा जाएगा और यह पद रिजर्व रहेगा ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए, और यह पद रहेगा पीटीआई का। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और अगर बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 वर्ष रहने वाली है। आपको यहाँ पर 25,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 300 रुपये आपको यह देने होंगे इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा और आपको ये देना होगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सुजानपुर हिमाचल प्रदेश। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 5 अप्रैल 2021। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड जॉब नोटिफिकेशन की, और ये रिक्रूटमेंट होने वाली है भू व्यवस्था विभाग हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर यह वीडियो सभी लोगों के लिए नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखें। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि हिमाचल प्रदेश के भू व्यवस्था विभाग के लिए चयनित पटवारी उम्मीदवारों के लिए 4 माह का संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाना है। इस उद्देश्य के लिए भू व्यवस्था विभाग द्वारा हमीरपुर में प्रशिक्षण स्कूल आरंभ किया जा रहा है, जिस हेतु निम्न वर्णित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की 4 माह के लिए आवश्यकता रहने वाली है। 15 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। पहली पोस्ट यहाँ पर रहेगी तहसीलदार की, इसका एक पद भरा जाएगा। इसके लिए आप भू व्यवस्था विभाग में बतौर कानूनगो या नायब तहसीलदार के पद पे 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। आपकी एज 58 से लेकर 65 के बीच में होनी चाहिए। सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी 15,700 रुपये। सेकेंड पोस्ट यहाँ पर है नायब तहसीलदार के, 3 पद रहेंगे। इसके लिए आप भू व्यवस्था विभाग में बतौर कानूनगो या नायब तहसीलदार के पद पर कम से कम 7 वर्ष तक का आपका अनुभव होना चाहिए। आपकी एज रहेगी कम से कम 58 वर्ष और मैक्सिमम रहेगी 65 वर्ष। आपकी सैलरी 15,100 रुपये रहेगी। कानूनगो के 4 पद भरे जाएंगे। इसके लिए भू व्यवस्था विभाग में बतौर कानूनगो के पद पर 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। 58 से 65 वर्ष के बीच में आपकी एज रहेगी। 14,500 रुपये आपका यहाँ पर मासिक वेतनमान रहने वाला है। पटवारी के 2 पद भरे जाएंगे और यहाँ पर भी आप कम से कम 10 वर्षों तक आप बतौर पटवारी होने चाहिए भू व्यवस्था विभाग में, और आपकी एज 58 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सैलरी आपकी रहेगी 13,500 रुपये पर मंथ। चपरासी के 4 पद भरे जाएंगे। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त होने चाहिए। आपकी एज 60 से 65 के बीच में होनी चाहिए। सैलरी 6210 रुपये रहेगी। स्वीपर का 1 पद भरा जाएगा और यहाँ पर भी आप राजस्व विभाग से रिटायर्ड होने चाहिए। आपकी एज 60 से 65 के बीच में रहेगी। आपकी सैलरी 6210 रुपये रहेगी। अब आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, वो होगा 23 मार्च 2021 को, और वेन्यू आपका रहेगा भू व्यवस्था मुख्य कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला में आपका साक्षात्कार होगा सुबह 10 बजे 23 मार्च 2021 को। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर सकते हैं 01892-22243 पर।